How are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies. आज इस वीडियो में हम टिपिकल एक्सरसाइज नंबर 2 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ उसे समझेंगे भी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 2 फॉर क्लास 11th एंड 12th. सेंटेंस नंबर 1. आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई कैन नॉट गिव यू माई पेन. इनडायरेक्ट देखेंगे, आई टोल्ड हिम, सेड टू का टोल्ड होता है, दैट ये आसान है. आई को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, वो भी आई है. तो आई अब टेंस चेंज हो रहा है, कैन नॉट को कर देंगे कुड नॉट, क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज में सेट टू आया है पास्ट टेंस. गिव यू को चेंज करेंगे हिम से, हिम माई पेन. आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट गिव हिम माई पेन. क्लियर. नंबर 2. ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास योर फादर हैज सेंट यू अ गिफ्ट. ही टोल्ड मी दैट, योर को चेंज करेंगे मी से, माई फादर हैड सेंट मी अ गिफ्ट. नंबर 3. यू टोल्ड मी दैट आई एम डूइंग वॉट इज राइट. आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट यू से, तो यू टोल्ड मी दैट यू आर डूइंग वॉट वॉज राइट, क्योंकि पास्ट टेंस. नंबर 4. The teacher said to us that you may go home now. The teacher told us that, you को चेंज करेंगे us से, they might go home now को then. नंबर 5 देखेंगे, they said to us we shall play a cricket match tomorrow. Indirect होगा, they told us that. वी को हम चेंज करेंगे दे से, क्योंकि दे अस माने हमें बता रहे हैं हम कल मैच खेलेंगे, तो वी की जगह पर आएगा दे वुड प्ले अ क्रिकेट मैच द नेक्स्ट डे. नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों पास्ट टेंस. जब दोनों पास्ट टेंस होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. समझने के लिए आप वीडियोज देख सकते हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. तो ही सेड दैट, आई को ही हैड लेफ्ट द स्कूल लॉन्ग एगो का हो जाएगा बिफोर. नंबर 7 पर आते हैं, यू सेड टू मी दैट यू आर रॉन्ग इन योर मेथड. यू को चेंज करेंगे मी से, तो यू टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग इन माई मेथड. यू के साथ योर था इसलिए आई के साथ माई. क्लियर. नंबर 8 देखेंगे, ही सेड गॉड इज एवरीवेयर. यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबसे आसान है, आपका फेवरेट है ना, केवल दैट लगाएंगे. ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर. नेक्स्ट पर आएंगे, यू सेड टू मी आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल टूडे. यू टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे यू से, यू वर फीलिंग अनकम्फर्टेबल टूडे का दैट डे. नंबर 10 पर आ गए हम लोग, You said to Mohan, comma inverted commas, you did not teach me yesterday. तो you told Mohan that, you को चेंज करेंगे मोहन से, he had not taught me को चेंज करेंगे you से, taught you yesterday का हो जाएगा the previous day. फिर से देख सकते हैं, यू को चेंज करेंगे मोहन से, ही डिड नॉट का हैड नॉट, टॉट मी को चेंज करेंगे यू से, यू द प्रीवियस डे. नंबर 11, ही सेड दैट द हॉर्स, पास्ट टेंस दोनों है तो परफेक्ट हो जाएगा, हैड डाइड लास्ट का द प्रीवियस वीक. नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है, रामा सेड दैट व्हेन द काइट इज अवे द माइस विल प्ले. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब बिल्ली बाहर होती तो चूहे कूदने लगते हैं ना. नंबर 13, शी सेड आई डू नॉट वांट अ पोस्ट कार्ड. शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट अ पोस्ट कार्ड. सोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास,
आई केम हियर स्टरडे बट शैल गो अवे टुमारो। सबसे इंटरेस्टिंग है, टिपिकल है, ध्यान से समझें। रूल्स कहते हैं कम का गो होता है, हेयर का देयर होता है, लेकिन जब कम और गो दोनों एक साथ आते हैं तो हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कर देंगे तो कम का गो करेंगे तो दो गो गो हो जाएंगे। यहाँ आना और जाना एक साथ है, इसलिए सेम रहेगा। तो सोहन सेड दैट ही हैड कम, इंडेफिनिट का परफेक्ट लेके जाएं, प्रीवियस डे बट वुड गो अवे द नेक्स्ट डे। नंबर 15, हरी सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज करेंगे। लास्ट कितना इजी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, केवल दैट लगाएंगे। शी सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ईश्वर सब पर राज करता है, उसके नियम सब पर लागू होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।